नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तमाम जो पार्टी के लोग, बीजेपी हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पार्टी के लोग दल बदल कर रहे हैं और वहीं कई पार्टियों में सम्मिलित हो रहे हैं। तो वैसे में जदयू से महेश्वर हजारी जो हैं उनके बेटे अपना दल बदल करते हैं और सन्नी हजारी जो कि कांग्रेस में जाके सम्मिलित होते हैं, और वहीं अशोक चौधरी जिनकी बेटी समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही है चिराग पासवान की ओर से, वहीं आमना समस्तीपुर की जो सीट है काफ़ी दिलचस्प मामला होने वाला है, वहाँ पे दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफ महेश्वर हजारी के बेटे समस्तीपुर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो दूसरे तरफ देखा जाए तो शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की बेटी है वो वहां से मुकाबला लड़ेगी। दोनों में लड़ाई जो होगी आर पार की होगी, आगे विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई नेता अपनी जगह अपने बेटे बेटी रिश्तेदारों को किसी न किसी पार्टी में सम्मिलित करवा रहे हैं और वहीं सिंबल लेने में जुटे हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां जदयू मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी को LJPR से टिकट मिला है, तो वहीं महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को भी यहां से टिकट मिल सकता है। और देखा जाए बीते दिनों पहले अशोक चौधरी अपनी बेटी को NDA प्रत्याशी के रूप में लोगों से मुलाकात कराते हुए जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। इस दौरान शांभवी चौधरी के पति सयान कुणाल भी उनके साथ रोड शो में जनसंपर्क अभियान में साथ साथ चल रहे थे। लोगों का जनसमर्थन भी मिला। अशोक चौधरी NDA के कार्यकाल में किए गए कामों को जनता के बीच गिना रहे थे। इधर नीतीश कुमार की सरकार में, जी हां, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे खानपुर प्रखंड प्रमुख सन्नी हजारी भी शुक्रवार को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। सन्नी हजारी ने कहा कि पार्टी हमें जो काम देगी उसे पूरा करेंगे। अगर समस्तीपुर की सीट मिलती है तो हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर से अगर कांग्रेस सन्नी हजारी को चुनाव मैदान में उतारती है तो नीतीश के दो मंत्रियों के बीच सीधी लड़ाई की संभावना बन जाएगी। कांग्रेस सूत्रों की माने तो टिकट की डील तय होने के बाद सन्नी हजारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सूत्र तो यह बताते हैं कि महेश्वर हजारी बेटे सन्नी हजारी को पहले LJPR की ओर से टिकट दिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल रहे। उन्होंने अपने बेटे के साथ दिल्ली जाकर चिराग पासवान से मुलाकात भी करवाई थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। उनके बेटे कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए और देखना होगा किस तरीके से, जहां एक तरफ शांभवी चौधरी पूरे जोर शोर से रोड शो करती है और वहां जनता के बीच पहुंचती है और साथ में उनके पिताजी जो अशोक चौधरी है नीतीश कुमार के काफी करीबी और चहेते हैं, वो रोड शो के दौरान पहुंचते हैं, लोगों के बीच काम गिनवाते हैं। और शांभवी चौधरी भी कहती है कि अगर हम सांसद बनते हैं तो विकास की ओर लेके जाएंगे, वहीं युवा की बात करेंगे। और एक तरफ महेश्वर हजारी वो भी नीतीश कुमार के काफी चहेते हैं और उनके बेटे समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।